बात करेंगे राजधानी दून की। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। राज्य के बाहर इन्वेस्टर से बातचीत हो रही है, वहीं राज्य के भीतर भी निवेशकों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़कों की दुर्दशा को सही करने के लिए शासन ने 6 सड़कों के लिए 14 करोड़ का बजट मंजूर किया है, जिसका निर्माण 15 नवंबर से पहले पूरा किया जाएगा। बता दें कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है, इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं सड़कों के खस्ता हाल को देखते हुए सड़कों को चमकाने का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है, वह सिर्फ अपनी इन्वेस्टर समिट के हिसाब से ही काम कर रही है। देखिए, देहरादून में जो सड़कों की दुर्दशा है वो सुधर नहीं रही है। मुख्यमंत्री धामी जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया, उसका क्या लाभ मिला? वीआईपी रूट पर तो जो है आपने पेंटिंग कर दी, गड्ढे भर दिए, लेकिन आप वार्डों में जाइए ना, बस्तियों में जाइए, वहां देखिए कि सड़कों की क्या दुर्दशा है। लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियों से चलना तो दूर की बात है। आखिर जो है गड्ढों की उन हालात को कौन देखेगा, कौन सी सरकार जो है उसमें सुधार करेगी? और आप पर्वतीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, वहां आपको सड़कें नजर ही नहीं आएंगी।